नमस्कारम। वर्ल्ड कप के सेकेंड डे पे जो बहुत कुछ अच्छे गेम्स हुए थे, उनमें से एक गेम हुआ था नियाज मुर्शिद और डेलगेडो रमीरेस के बीच में। मेरे हिसाब से ये एक मस्ट विन सिचुएशन था, और डेफिनेटली वाइट होने के साथ ही नियाज मुर्शिद, जो कि एक्चुअली रेटिंग वाइज लोअर रेटेड थे इस गेम में, उन्होंने एक जबरदस्त गेम खेला। और उनका स्टाइल भी थोड़ा अलग है। अगर आप दोनों बांग्लादेश के दोनों तीनों ग्रैंड मास्टर के गेम्स देखेंगे, तो उनका जो गेम है वो जनरली नॉर्मल लीग से थोड़ा अलग हटके खेलते हैं वो लोग। तो मैं तो खुद एक ग्रैंड मास्टर से खेला हूँ उनमें से, जियाउर रहमान जी के साथ। लेकिन ये जो गेम हुआ ये मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट रहा वो भी हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली कौन क्वालिफाई कर पाया सेकेंड राउंड के लिए। लेकिन अब हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको देखें। राइट, तो नाइट ऑफ थ्री से स्टार्ट किया नियाज जी ने। नाइट ऑफ सिक्स, c4, e6 एंड देन नाइट c3। अब इंग्लिश वर्सेस निम्जो के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मूव ऑर्डर के हिसाब से। सो नाइट सी थ्री के बाद यहाँ पे बिशप बी फोर खेला एंड देन क्वीन सी टू। अब डेफिनेटली बिशप इंटू बी सी थ्री को क्वीन इंटू सी थ्री मार के खेलने वाले, वो किसी पॉन से नहीं मारने वाले, राइट। दैट इज द आइडिया ऑफ क्वीन सी टू। सी फाइव खेला ब्लैक ने यहाँ पे, ए थ्री एंड टेक्स, बिशप इंटू सी थ्री, क्वीन इंटू सी थ्री। अब देखा जाए तो बहुत बार निम्जो इंडियन में आप देख सकते हो कि जैसे बी इंटू सी थ्री मारते हैं इसमें, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, राइट वहाँ पे। लेकिन इस बार व्हाइट ने ऐसा कुछ नहीं किया, और डेफिनेटली फ्यूचर में बी फोर खेल के व्हाइट जो है वो बिशप बी टू खेल के किंग साइड अटैक के लिए जा सकता है। तो ये एक ठीक ठाक पोजिशन लगी थी मुझे व्हाइट से खेलने के लिए। कैंसल किया बी फोर, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि बी फोर और बिशप बी टू एक मेन आइडिया हो सकता है। बी सिक्स एंड देन बिशप टू बी टू। अब मस्ट विन सिचुएशन में खेलने के लिए आपको एक तो साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, और ये सोचना पड़ता है हमेशा कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे बने रहेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल गेम्स गेम खेलोगे और एक्सचेंजेस होते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे, तो क्या होगा कि सिचुएशन में इतने प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं ब्लैक को। और डेफिनेटली ओपोनेंट जो है वो 2600 क्रॉस्ड प्लेयर है, राइट। सो उनको इतना तो समझ में आता है कि कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डी सिक्स खेला और पॉन को सपोर्ट दे दिया सी फाइव को, और एक्स्ट्रा जी फोर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई लगा था। हालांकि अगर आप एनालिसिस देखोगे तो कभी कंप्यूटर जो इनको डुबियस बोल सकता है, लेकिन ये जो स्टाइल है शिरो का फेमस स्टाइल है, और बहुत सारे गेम्स में उन्होंने खेला था। एक्चुअली बहुत सारे वेरिएशन में जब जी फोर आता है तो डेफिनेटली पहला जो नाम ध्यान में आता है वो एलेक्सी शिरो का आता है, क्योंकि वो ही इस स्टाइल का चेस खेलते थे। ए फाइव, और वो कोशिश कर रहे हैं कि क्वीन साइड में कुछ ना कुछ काउंटर क्रिएट किया जाए, राइट। तो ब्लैक व्हाइट ने यहाँ पे सिंपली बी फाइव बंद कर दिया, क्योंकि अब क्वीन साइड क्लोज हो चुका है। सेंटर में व्हाइट कभी ना कभी ब्रेक दे सकता है डी फोर खेल के, और किंग साइड में जो है वो रुक जीवन ला के आप अटैक कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे ई फाइव खेला, और ये जो डायगनल था वो बंद करने की सोच रहा है ब्लैक इसमें। और डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है अगर आपके आपका ओपोनेंट जो है वो लोअर रेटेड भी है, लेकिन अगर उसको मस्ट विन सिचुएशन है तो वो बहुत बार फायरिंग चेस खेलता है, और आपको थोड़ा सा संभल के खेलना होता है। मुझे नहीं लगता कि 10 मूव के अंदर जो पोजीशन ब्लैक ने अचीव की है वो उनकी कोई बहुत ही ड्रीम पोजीशन थी। डेफिनेटली जब आपको सिर्फ ड्रॉ चाहिए रहता है तो आप सोचते हो कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो और सॉलिड गेम खेलें, राइट। लेकिन इस बार कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। जी फाइव खेला, नाइट ई एट एंड देन रुक जी वन। अब डेफिनेटली व्हाइट का आइडिया एच फोर, एच फाइव एंड जी सिक्स कभी ना कभी खेलने का, राइट। तो रुक ए सेवन खेला, सेवेंथ रो को गार्ड करें, और फ्यूचर में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो रुक को ई सेवन या और कहीं। डेफिनेटली आप ई फोर जैसे मूव नहीं खेलना चाहोगे, एक मूव का अटैक देके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये डायगनल हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एच फोर खेला, एफ फाइव, ये एक ठीक तरीका लग रहा था मुझे। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए डिफेंस करने के लिए भी, क्योंकि अगर सेंटर क्लोज हो चुका है और क्वीन साइड में आपके पास काउंटर नहीं है तो इस साइड में एटलीस्ट थोड़ी सी स्पेस चाहिए, नहीं तो व्हाइट जो है वो बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही एफ5 खेला लॉन्ग कैसल कर दिया, बिल्कुल फायरिंग मूड में लग रहे थे नियाज मुर्शिद। और अगर हम देखें तो फर्स्ट राउंड में जो पहले दो गेम होते हैं, एक्चुअली दो गेम खेलने होते हैं, दो में से जो 1.5 बना लेगा वो जीत जाता है। इसमें इंडिया के लिए अच्छी बात ये रही थी कि सभी प्लेयर्स क्वालिफाई कर गए थे सेकेंड राउंड के लिए वुमेन्स और मेन्स सेक्शन में। गुकेश ने हालांकि जो पहला राउंड है जो क्लासिकल हुए थे उन दोनों में ड्रॉ होने के बाद रैपिड में जीत लिया था वो, और वो भी क्वालिफाई हो गए थे। इस गेम में हुआ ये कि लॉन्ग कैसल के बाद रुक ई सेवन खेल दिया। अब ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि क्वीन साइड के पीसेस को शिफ्ट करे किंग साइड में, ताकि डिफेंस होता रहे हमेशा, राइट। सो ई थ्री खेला यहाँ पे, और फ्यूचर में डेफिनेटली जैसे आपने देखा कि रुक जो है वो क्वीन की रो में है, तो
तो यू कैन प्ले d4 और आपको एटलीस्ट इसको ब्रेक करने के लिए ये करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे नाइट d7 खेला, जो लास्ट पीस था गेम का, जो नहीं आ रहा था किंग साइड में नहीं था, उसको भी ला रहे हैं। h5 डेफिनेटली व्हाइट का आइडिया ये रहेगा कि कभी ना कभी g6 या h6 से कोई ब्रेक दिया जाए ताकि फाइल्स ओपन हो, या फिर ये डायगोनल जो है स्पेशली h6 के बाद ये डायगोनल ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नाइट c7 खेला, मुझे लगता है ब्लैक के पास स्पेस बहुत कम है, तो व्हाइट को कोशिश करनी चाहिए कि पीसेस एक्सचेंज नहीं करे और प्रेशर बनाता है, राइट। क्योंकि ब्लैक का जो स्पेस कम होने के कारण क्या होगा कि उसके जो पीसेस हैं उनको सही दिशा नहीं मिल रही, सही जगह नहीं मिल रही है, और व्हाइट उसका फायदा ले सकता है, राइट। सो यहाँ पे d4 खेला और ये एक सही टाइम पे आया वो ब्रेक था, क्योंकि अगर आप देखो तो जो रुक है d1 का वो बैठे बैठे ओपन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप d2 मारते हो तो इस डायगोनल में भी इशू आएगा, तो एकदम ह्यूमन मूव लग रही थी मुझे कि ये खेलना ही चाहिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आफ्टर एक्सचेंज ऑन cd ed एंड ed होगा ये कि नाइट c5 या नाइट e5 जैसे स्क्वायर आपको मिल सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी व्हाइट को ये खेलना ही चाहिए d4, ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे cd मारा e2d एंड देन e4, जितना हो सके भले ही व्हाइट का पॉन रहे d4 पे या ब्लैक का e5 पे, ब्लैक की कोशिश रहेगी कि ये डायगोनल हमेशा बंद रहे, अदरवाइज होगा क्या कि आप h6 खेलोगे और g7 आपको कभी ना कभी हटाना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। सो नाइट h4 खेला यहाँ पे, नाइट h4 का आइडिया सिंपली यही है कि आप फ्यूचर में इसको टारगेट कर सकते हो, मे बी विथ बिशप h3, और जब आप h6 खेलोगे तो डेफिनेटली, वैसे तो फिलहाल इस पर थ्रेट भी था तो उसको बचाना भी जरूरी था। तो यहाँ पे queen8 खेला और h5 को जो है अटैक कर दिया। फिलहाल मुझे लग रहा था कि वाइट जो है वो बिशप e2 वगैरह करके इसको डिफेंड कर सकता है और फ्यूचर में वो कोशिश कर सकते हैं, इवन आप h6 भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों ही हो सकते थे पॉसिबल। लेकिन व्हाइट ने यहाँ पे खेला बिशप h3। अब वो क्या कर रहे हैं, h5 देके और f5 मारने का उनका आइडिया, राइट। और डेफिनेटली इस वक्त जो है उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि फाइल्स ओपन करने चाहिए। तो मुझे ये फिर भी उतना डुबियस नहीं लग रहा था एक्चुअली गेम में, राइट। लेकिन अगर आप एनालिसिस देखोगे तो डेफिनेटली h6 ज़्यादा बेहतर था बिशप h3 से। तो जैसे ही बिशप h3 खेला, यहाँ पे ब्लैक ने जो है इसको डिफेंड करने का सोचा और h5 मारने का नहीं सोचा, नाइट b8 खेला। ये मुझे टेक्निकली भी इतना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि आपका ये नाइट जाएगा कहाँ, इसको एक ही स्क्वायर था कि आप फ्यूचर में इसको आप कहीं f8 पे या अभी तो d4 पे पौने, अदरवाइज c5 e5 भी आ सकता था। तो मुझे लगता है इसको बचाने से अच्छा था कि आप h5 मार लेते और एटलीस्ट उसके बाद वो पोजिशन खेलते, जिसमें मे बी अगर आप नाइट b8 नहीं जाते हो लेट से, तो आप यहाँ पे queen h5 मार सकते थे, राइट। ये एक तरीका हो सकता था। लेकिन नाइट b8 के बाद वाइट को जो है h6 का चांस मिल गया, और जो पहले उन्होंने नहीं किया था बिशप h3 के पहले, वो अभी आ गया है। queen h5 अभी खेला, डेफिनेटली आप g6 जैसे मूव नहीं खेल सकते, बिकॉज d5 आके queen h8 को रोकना लगभग मुश्किल है, राइट। सो queen h5 अभी खेला उन्होंने, एंड देन ही प्लेड h into g को यहाँ पे rook into g7 मार दिया, और ब्लैक को शायद लग रहा है कि चलो पॉन ने यहाँ पे रुक की है, लेकिन एटलीस्ट डिफेंड हो रही है पोजिशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जब d5 आएगा तो आपको knight e8 जैसे मूव्स खेलने पड़ेंगे, आप रुक को हटा नहीं सकते यहाँ से, राइट। थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टैंडिंग को, कि क्या हो रहा था स्टैंडिंग में, कि एक्चुअली इस गेम का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था, और बाकी प्लेयर्स का भी क्या अभी तक रिजल्ट्स थे, राइट। सो आप देख सकते हो टूर्नामेंट जो ट्री है इसमें, कि मैग्नस कार्लसन को फर्स्ट राउंड में बाय मिल गया था, तो मैग्नस कार्लसन को जो सेकंड राउंड में आने वाले हैं वो सैसा मैट्रिनोविक प्लेयर हैं, वो है आर्यन तारी, जो कि नॉर्वे के ही एक दूसरे ग्रैंड मास्टर है, उनको एविग्नी बैरी के साथ खेलना है, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। राडोस्लाव वस्तजिक, जो विश्वनाथन आनंद के सेकेंड रहे थे, उनको एलेक्जी के साथ खेलना है। तो ये सेकेंड राउंड के आप देख सकते हो यहाँ पे है, राइट। मटला को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, डैनियल डुबो वर्सेस डी गुकेश, राइट। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स जो सेकेंड राउंड में होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। डेफिनेटली वर्ल्ड कप आपको हमेशा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। नॉकआउट स्टेज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकते हैं कभी कभी, खासकर टाई ब्रेक्स, राइट। हम गेम की तरफ जाते हैं और इसके बाद और धीरे से हम चेक करेंगे आगे चल के कि क्या हो रहा है रिजल्ट्स के थ्रू भी, राइट। तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखते हैं उसको क्या हो सकता है। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने rook into g7 मारा तो व्हाइट ने d5 खेल दिया, g7 मर रहा है, एंड देन knight e8। अब इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था, बिकॉज आप हटा तो नहीं सकते हो h8 पे, यहाँ पे शह और मात के थ्रेट है, राइट।
सो क्वीन जी थ्री खेला क्योंकि आप दोनों पीस मर रहे थे. ऑब्वियसली आप नाइट ई एट के अलावा इसको मार भी नहीं सकते थे क्योंकि जी सेवन पे मेट लगी हुई थी. तो एच फोर को बचा लिया और जी फाइव को भी बचा लिया. एफ फोर खेला और जैसे ही एफ फोर खेला अभी आप देखो कि क्वीन पे थ्रेट है. अब क्वीन कहीं हटा नहीं सकते तो नियाज जी ने यहाँ पे क्वीन एच टू खेल दिया और यहाँ पे क्वीन एच टू को अभी आप क्वीन इंटू एच फोर नहीं मार सकते बिकॉज बिशप ई सिक्स चेक आ रहा है और क्वीन जो है वो हैंगिंग है इसलिए वो नहीं आ सकता है. क्वीन एच टू को हुआ ये यहाँ पे उन्होंने क्वीन ई टू खेल दिया और अभी ब्लैक का थ्रेट है क्वीन इंटू सी फोर राइट और चेक भी आ रही. तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सही तरीके से कंटिन्यू किया बिकॉज मुझे लगता है ये एक डुबियस मूव था, एक मिस्टेक था गेम का कि उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया कि रुक डी टू अभी भी आ सकता है बिकॉज जैसे ही आप इसको सी फोर को मारोगे यही हुआ गेम में एक्चुअली रुक सी टू आ रहा है एंड देन क्वीन पे थ्रेट है और अब बिशप मर ही रहा है राइट. तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पोजिशन आ गई थी और डेफिनेटली यहाँ से जो है वाइट को बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए थे एक्स्ट्रा. सो क्वीन इन टू डी फाइव मारा एंड रुक इन टू सी एट. नाउ आई थिंक ये पोजिशन बहुत ज़्यादा विनिंग है. फिर भी हम देखते हैं आगे क्या हुआ. रुक सी सेवन खेला, रुक इन टू सी सेवन, नाइट इन टू सी सेवन और वाइट जो है वो एक पॉन अप हो गया. भले उसका किंग जो है वो थोड़ा सा ओपन फाइल में पड़ा हुआ है. डेफिनेटली आप किंग बी वन किंग ए वन खेल के उसको डिफेंड कर सकते हो. जी सिक्स खेल दिया, अब जितना हो सके वो ओपन कर रहे हैं पोजिशन को क्योंकि किंग को बचाने के लिए ये एकमात्र सैनिक पॉन बचा हुआ है और अटैक देखो कितने लोग कर रहे हैं राइट यहाँ पे. तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर चार लोग अटैक करने आ जाते हैं ना किंग पे तो राजा को कांधे पे ही लेके जाते हैं. तो यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं यार, पांच छह लोग हैं और बचाने वाला एक ही है. तो डेफिनेटली यहाँ पे बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है किंग को. हालांकि उन्होंने एच फाइव खेल दिया और फाइल को क्लोज रखा. अभी भी नाइट एफ फाइव खेला यहाँ पे, रुक इन टू एफ फाइव, बिशप इन टू एफ फाइव एंड क्वीन इन टू एफ फाइव. अब मुझे नहीं लगता इस मटेरियल मिलने के बावजूद भी पोजीशन जो है वाइट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, सॉरी ब्लैक की. वाइट तो डेफिनेटली विनिंग है इसमें. क्वीन एच फोर खेला, डी एट जा रहे हैं क्वीन यहाँ पे, नाइट टू डी फाइव एंड देन क्वीन डी एट चेक. अब बी एट भी हैंगिंग है तो ऑब्वियसली आपको क्वीन एफ एट डालना पड़ेगा अदरवाइज बी एट मर जाएगा. टेक्स टेक्स और ये जो पोजीशन है अगर एक नॉर्मल एंड गेम होता तो शायद ब्लैक फिर भी कम्पीट कर लेता लेकिन जी सिक्स पॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है. सो यहाँ पे जी सेवन खेला, किंग टू जी एट एंड देन रुक जी फाइव. अब डी फाइव मर रहा है, एच फाइव आके रुक एच एट आ रहा है. ब्लैक ने कोशिश किया आखिरी नाइट ई सेवन खेलने की बट जैसे ही यहाँ पे नाइट ई एट खेला बिशप एफ सिक्स एंड देन ई थ्री. अब ये एक लास्ट ट्राई थी ब्लैक की तरफ से कि अगर आप एच फाइव या कुछ मार लेते हो तो इसमें जो है पॉन इंटू पॉन मार के एफ वन को रोकना मुश्किल हो जाता. यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने पहले पॉन इंटू पॉन मार लिया और ऑन मूव नंबर 39 ये जो गेम था नियाज मुर्शीद ने जीत लिया था. और ये एक मुझे इंटरेस्टिंग गेम लगा था और खासकर इसमें जो फायरिंग मूड के साथ खेल रहा था वाइट वो भी अच्छी बात थी. मस्ट विन सिचुएशन में आपको ऐसे ही खेलना होता है, इसी टाइप का माइंडसेट रखना होता है. हालांकि नुकसान ये हुआ उनको कि लास्ट में जब लास्ट राउंड था मस्ट विन सिचुएशन थी तो वो नियाज मुर्शीद जो है वो हार गए थे वो गेम. हम स्टैंडिंग में वापस से जाते हैं और देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ था रिजल्ट्स में राइट. सो यहाँ पे हमने देखा था कि डैनियल डुबो और गुकेश का एक बहुत अच्छा राउंड होने वाला है. और अगर हम आगे देखें तो कुछ बहुत अच्छे राउंड्स हैं जैसे मुझे लगता है आमिन बसीम भी जो है वो जीत गए हैं. इसमें एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग राउंड हुआ था इजिप्ट के दोनों प्लेयर के अगेंस्ट में. उसमें से जो लोअर रेटेड प्लेयर थे ग्रैंड मास्टर अब्दुल हेशाम वो जीत गए थे. वो भी एक अच्छा राउंड हुआ था. कोरोबो भी सेकेंड राउंड में आ गए हैं. पी इनियन ने हाई रेटेड प्लेयर को हराते हुए और सेकेंड राउंड में आ गए हैं. टोमेशेवस की एक एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके अगेंस्ट खेलने वाले हैं राइट. बेंजामिन बोक जो टाई ब्रेक जीत के आए हैं सेकेंड राउंड में सेवियन सैमुअल के साथ खेलने वाले हैं. और विदित जो है वो अलेक्जेंडर फेयर जो एक रेगुलर प्लेयर हैं और 2550 वाली स्ट्रेंथ के साथ बहुत ही बढ़िया खेलते हैं. वो बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट में खेलते रहते हैं तो विदित को एक अच्छा चैलेंज मिलने वाला है. अधिबन भी सेकेंड राउंड में आ गए हैं. तो ऑलमोस्ट जो सेकेंड राउंड के पेयरिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं. अरविंद अब्दुसतारो के साथ खेलने वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं. अनीश गिरी जो है वो सैवचेंको के साथ खेलने वाले हैं. तो बहुत ही बढ़िया पेयरिंग है सेकेंड राउंड के लिए. डेफिनेटली आपको लाइव गेम्स आज जब इवनिंग में इंडियन टाइम के हिसाब से स्टार्ट होते हैं तो आप देखते रहिए और हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे भी कि वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है राइट. सो मिलते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा चेस हम देखते रहें राइट. आपको आपको जो भी अच्छा गेम लगता है आप कमेंट्स में बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि हम उसको देखते रहें राइट.
सो बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।